अस्सलामु अलैकुम, लॉकडाउन लाउंज में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट जीशान शाह और हम आज डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के एग्जैक्टली किस किस्म के इम्पैक्ट होते हैं, ना कि सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ पर बल्कि और भी जो जो आपके ऊपर इम्पैक्ट्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, उनको रिकग्नाइज करेंगे और हम क्या क्या कर सकते हैं उनको लड़ने के लिए उनसे और अपने आप को फिट रखने के लिए। तो कोरोना वायरस जो खुद एक वायरस है उसने तो एक डैमेज किया ही है दुनिया में, लेकिन उसका जो फियर है जिसकी वजह से ये लॉकडाउन भी हुआ है, गवर्नमेंट्स ने भी हमें बोल दिया कि अपने अपने घरों में रहें, सेल्फ आइसोलेशन करें, दूसरे को ना हो, उस फियर की वजह से भी काफ़ी डैमेजेस हो गए हैं। बिजनेसेस भी बंद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियाँ भी जा रही हैं और अब हम घर पर बैठे हुए एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी जीने का। तो आज हमारे साथ इस डिस्कशन के ऊपर मौजूद हैं आर्किटेक्ट शाहनवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने अपने नाज़रीन के साथ हमने डिस्कस ये करना है कि एक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि क्या लगता है आपको, जो वायरस है उसने खुद ज़्यादा डैमेज किया है या हमें फियर की वजह से ज़्यादा डैमेज नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है इकॉनमीज़ पे और शहरों पे। शान, मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम हेल्थ बोलते किसको है। हेल्थ के बड़े 5 मेजर पॉइंट्स हैं जिससे हमारी जो ओवरऑल हमारा खुश रहना, हमारी ज़िंदगी वो एसोसिएटेड है जिसके साथ। 1, फिज़िकल हेल्थ, जो हम ये अपनी बीमारियों से बचाओ और प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं हम, और हम ये कहते हैं कि यार हमें थोड़ा अपना ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है, फूड ठीक लेनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फिज़िकल, ये जो हमारी बॉडी है ये उस बॉडी की केयर की बात है सिर्फ। दूसरा एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ, मैं एक एक को अलग-अलग से भी डिस्कस करूँगा। 1, फिज़िकल। 2, स्पिरिचुअल। 3, इमोशनल हेल्थ आपकी। 4, फाइनेंशियल हेल्थ। तो ये हमारे हो गए फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और मेंटल। यस। अब इन पांचों का आपकी लाइफ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब ये जो कोरोना क्राइसिस कह लें हम इसको, या कोरोना वायरस जिससे हम क्राइसिस में आ गए हैं और हमने आगे नए तरीके से जीना सीखना है, अपनी हाइजीन का भी सोचना है, अपनी इन चीज़ों का सोचना है। तो हम चारों पांचों के लिहाज से मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ इस बात कि एक्चुअली इन पांचों का क्या रोल है। फिज़िकल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा जो है ना वो आपकी है, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ से क्या मुराद है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि आपका फेथ, आपका अल्लाह मियाँ के साथ ताल्लुक, और हम मुसलमान होते हुए हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा यकीन उसके ऊपर है, ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है, ये हमारा ईमान है। हम ना पैदा अपनी मर्जी से हुए हैं ना मरना हमने अपनी मर्जी से है, सिर्फ़ और सिर्फ एहतियातें हमारे कुछ ज़िम्मे हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन जो मौत का दिन है उसकी तारीख पहले से लिखी गई है। अगर ये हमारा ईमान है तो हमारा जो फियर है, जो हमारा डर पैदा हुआ है, डर पैदा होने की वजह से क्या हो गया है कि आपका मोरल डाउन हो गया हुआ है, आप इमोशनल स्ट्रेस में आ गए हैं। आजकल ये जो सोशल मीडिया है ये इतना कंटीजियस है, ये बीमारी से बढ़ के है, ये फॉल्स किस्म की न्यूज़ और डेटा इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं इस वक्त कि उसका इम्पैक्ट आपके इमोशनल बिहेवियर पर होने लग पड़ा है, आपका मोरल डिप्रेशन में चले गए हैं आप। मैं यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नॉन प्लेसिबो इफेक्ट। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको बोला जाता है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो एक बीमारी लेके, तो उसको अंदाज़ा होता है कि यार आपको जो असल में ना प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितनी आपके दिमाग में प्रॉब्लम है। वो आप उस फेथ की वजह से कि उसके पास गए, इसने दवाई देनी है, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसने बहुत अच्छी मुझसे फी ले ली है, मैंने इसकी दवाई खा के ठीक हो जाना है। और इसके दुनिया में टेस्ट किए जा चुके हैं इस बात के कि वो आपको शुगर पिल्स भी दे देता है, खाली नकली गोलियां, ये नहीं कि जी दिन में 5 वक्त ये खाना है, क्योंकि आपने नफसियाती तौर पर अपने आप को ट्रीट कर लिया हुआ है कि मैंने इसकी दवाई खाने से ठीक होना है। तो जैसे ही आपने उस रूटीन के साथ चलना है, तो यकीन करें कि ये इसके ऊपर बेशुमार रिसर्च हो चुकी है, अगर किसी को कोई शक है तो ये प्लेसिबो इफेक्ट और नॉन प्लेसिबो, इसको सिर्फ आप गूगल करके देखें कि इसका क्या मतलब है। तो आप उस दवाई से ठीक हो जाते हो, हालांकि वो दवाई थी नहीं, वो तो सिर्फ एक आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की गई थी आपकी, जिसका मतलब है कि ये साइंटिफिकली ये बात कंफर्म हो गई कि हमारी अपनी स्टेट ऑफ माइंड, डिप्रेशन हमारे दिमाग के अंदर है जो हमें बीमारियों में भी मुबतला कर देता है और सारी चीज़ों में, यानी आपकी इमोशनल हेल्थ
और आपकी स्पिरिचुअल जो आपकी एक स्पिरिचुअल अलामिया के साथ जो ताल्लुक है, फेथ है, ये वो दो चीज़ें हैं जो आप में टेक्निकली स्पीकिंग आपके अंदर इम्यूनिटी बिल्ड करना शुरू कर देती है और उस इम्यूनिटी से आप बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। मुझे कोई डाउट ही नहीं लगता इसमें कि आपकी रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती। हम जब कहते हैं कि यंगस्टर्स की जो है ना जी वो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, जो हमारे 30 से नीचे के लोग होते हैं, उसकी यू नो पता है आपको बॉडी उनकी भी आप ही की तरह की है, ठीक है, और अगर कुछ किसी बंदे को बीमारी है तो उसका इलाज तो उसको चाहिए ही, लेकिन उसके जो ख्वाहिशें, ड्रीम्स, जिंदा रहने की ख्वाहिश, उसका खुश रहना और बड़े बड़े टारगेट्स नहीं होना, छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना, वो असल में उसकी इम्यूनिटी इन चीज़ों ने स्ट्रॉन्ग की हुई है। यानी ये इतना बड़ा एस्पेक्ट है। ये फिज़िकल हेल्थ हम समझ लेते हैं कि चलो वो हम हमारे सामने है, जो कोरोना वायरस जो थोड़े बहुत केसेस हैं जो हमें नज़र भी आ रहे हैं, जिसपे एक्चुअली क्रिटिकली इफेक्ट कर रहा है, वो तो हमें नज़र आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसको हम गेज किस तरह करें कि किस तरह से वो ख़राब हुई हुई है और इसकी किस तरह से इवेल्यूएशन होती है। फिज़िकल तो नज़र आया था कि भाई आप हॉस्पिटल जाते हो, आपकी हड्डी में दर्द है, आपकी हड्डी टूट गई है, आपका ब्लड प्रेशर लो आया है, इन दोनों चीज़ों को आप गेज कैसे करो? देखें गेज ये आप बहुत ज़बरदस्त जज जो है वो खुद आप हैं। आप ज़रा सिर्फ इसी क्राइसिस से पहले महीने का अपना मोराल देखें, आप अपनी एनर्जी देखें कि क्या लेवल था उस वक्त, और जब से आप लॉकडाउन हुए हैं और आप ये डिप्रेसिव किस्म की न्यूज़ देख रहे हैं तो आज आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, आज आप किस डिफेंसिव मूड में हुए हैं, बात करते हुए भी, बिजनेस का सोचते हुए भी, और पैनिक है आपको कि पता नहीं क्या होना है। उस पैनिक और फियर ने आपके अंदर का सिस्टम चेंज करना शुरू कर दिया हुआ है और आपकी सोच इतनी लो डाउन होती चली जा रही है कि आपको असल बीमारी तो वो है जो अब आपको होनी शुरू हुई है। तो हमें असल में पॉजिटिव होकर सोचना है चीज़ों के बारे में, क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें और शॉपिंग के शौक़ थे, शॉपिंग मॉल्स में जाना और फजूल खर्ची करना, यानी क्या है, यही कम हुआ है ना। आप घर पे देखें क्या उसके बगैर आपके ये 15 दिन बड़े मज़े से गुजरे हैं कि नहीं, आपने कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं की, आपने ट्रैवल नहीं किया, आपने पेट्रोल पर खर्च नहीं किया, लेकिन क्या हुआ है कि आप लाइफ सिंपल रख के भी आप अपनी चीज़ों को पूरा रख सकते हैं। आपकी हैप्पीनेस आपकी फील आपके सपोर्ट सिस्टम के साथ है, आपकी फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ अब ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारा आपने, आपने देख भी लिया है इसमें, और इसको मज़ीद आप बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फिगर्स को दिमाग में ना लेके आए तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है जो आप अपनी कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में लॉकडाउन सही चीज़ है कि लोगों को घर तक रखा है और उनको एक मौका दिया गया है कि ये अपनी इस साइड हेल्थ की इस साइड के ऊपर काम करें ना चाहते हुए भी? अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसे सोचें तो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम समझ लें कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसने हमें ये रियलाइज़ करने का मौका दिया, लेट्स बी पॉजिटिव। हम पॉजिटिव होके क्यों नहीं सोचते कि इसको इस टाइम ने हमें अपने आप को रिकम्पोज करने का चांस दे दिया, हमें सोचने का चांस दिया है कि हमने क्या किया है, अब आगे क्या करना है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स में किस तरह से चीज़ों को करना है। वरना तो क्या था, आप एक दौड़ में लगे हुए थे, रेड रेस डेली आपने निकलना है, एक रूटीन में जाना है, रूटीन में वापस आ जाना है, फलाना फलाना काम करना, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव सेंस में लिया है और मैंने पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहा हूँ। आज घर में बैठा हुआ हूँ अपने, तो क्या है मतलब मैं आप लोगों के साथ जो मेरी ड्यूटी है, जो मैं समझता हूँ कि मुझे बिहेव करना चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो तो मैं अब भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक मीडियम डिफरेंट ले लिया है कि बजाय फिज़िकली मिलने के और फिज़िकली यही बातें करने से थोड़े लोगों के साथ, मैंने एक डिजिटल मीडियम को एक सहारा बना लिया है एंड आई एम शेयरिंग माई नॉलेज, जिसका मतलब है कि मैंने तो इसको अपॉर्चुनिटी बनाया, मैंने तो इसको पॉजिटिव सेंस में ले लिया है। अब दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है वो है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफकोर्स मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यानी आप विदाउट मनी यू कैन सर्वाइव, आपकी कुछ चीज़ें कुछ ज़रूरतें हैं जो बहरहाल आपको पूरी करनी है, लेकिन अगर आप उस फाइनेंसिस को ये ना समझें कि यार इस टाइम में हमने को बहुत एक्सपेंशन करनी थी, बहुत बड़ा कोई बिजनेस प्लान करना था, कोई बात नहीं अगर इस टाइम में नहीं हुआ तो, लेकिन मेक द प्लान्स, आपको टाइम मिल गया सोचने का कि आप किस किस तरफ को मूव कर सकते हो। अब जैसे अब देखें कि गवर्नमेंट को शायद ख्याल आ गया ना जी हमारा कि कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर को उन्होंने ओपन किया, कंस्ट्रक्शन को ख़ास तौर पर प्रमोट करने की बातें करने लग पड़े। अब ये बात सिर्फ ये नहीं थी कि ये कोरोना क्राइसिस के टाइम के ऊपर ही ये कंस्ट्रक्शन की बातें होनी थी, ये उनके पहले भी प्लान में था,
इमरान खान हमेशा से इस बात के ऊपर बहुत एडवोकेट करते रहे कि जी हम कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करें, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स, ये तो पहले से प्रोग्राम में शामिल था, लेकिन अब हमें नज़र आया कि इसको बहुत प्रायोरिटी करने की ज़रूरत है। उन्होंने फटाफट उन्होंने आपको बेशुमार इंसेंटिव्स दे दिए, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ करने के चांसेस बना दिए उन्होंने कि जी हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी इंडस्ट्री को रन कर सकते हैं और कैसे अपनी इकोनॉमी का पहिया चला सकते हैं। तो जिसका मतलब ये हुआ कि अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होना शुरू हो गई जो पहले मौजूद नहीं थी। उन्होंने बेशुमार इंसेंटिव्स टैक्स के भी दे दिए आपको, फैसिलिटेट करने को तैयार हैं, अप्रूवल्स। और दूसरा, मैं यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ में एक और बात करना चाहूँगा जो मैं पहले भी बड़ा एडवोकेट करता हूँ और मैं बड़ा कन्विंस हूँ ज़ाती तौर पर कि आप इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो अब क्योंकि डेप्रिशिएट होता हुआ रुपया आपका जिसने फर्दर होना है, और आप ये देख चुके हैं पिछले 10 दिनों में कि किस तरह से स्टॉक्स नीचे आ गए, बॉन्ड्स नीचे आ गए, बैंक इंटरेस्ट, बैंकिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो गया सारा। और कैश मत रखें अपने पास, इसको अगेन आई विल कॉल गॉड्स मनी, जो मैंने पहले भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की है कि जो रियल मनी है। मनी क्या है? ये करेंसी, जो नोट्स हैं, ये मनी नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक्सचेंज करने का एक यूनिट है कि आप इसके साथ यानी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हो। वरना मनी की जो रियल डेफिनेशन है वो आपका अकोमोलेटेड वेल्थ है, यानी जो आपका कोई भी एफर्ट किया हुआ वो किसी एक यूनिट में स्क्वीज करके जो टेंजिबल हो या जिसको चेंज किया जा सकते, जिसको कैश करवाया जा सके। तो हम करेंसी को मनी क्यों समझे हुए हैं? इस वक्त मेरी सजेशन एक ही है कि करेंसी से फ़ौरन जान छुड़ाएं, क्योंकि उसने बहुत डेप्रिशिएट होना है आने वाले टाइम में। और उसका, जैसे इमरान खान ने भी अपने सारे प्रोग्राम में बताया और मैं भी यहाँ पर फिर एडवोकेट करूँगा कि रियल स्टेट इज़ द ओनली सोल्यूशन, या गोल्ड और सिल्वर, इसको मैं गॉड्स मनी बोलता हूँ, क्योंकि ये मजीद प्रिंट नहीं होनी है। आप, ये करेंसी नहीं है, ये गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड वेल्थ नहीं है, यह स्पॉन्सर्ड मनी नहीं है। ये जो एलुजन है ना फेक मनी का, कि आप हम करेंसी को मनी समझते हैं, इसको भूलना पड़ेगा। और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक करने के लिए हमें रियल मनी की तरफ अपने आप को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसको सोचें, इसको डिस्कस करें, कमेंट्स दें इस बात के ऊपर मेरी, मैं आपको फर्दर एलैबोरेट करूंगा कि इसका क्या मतलब। चले, मनी के ऊपर, करेंसी के ऊपर एक और डिस्कशन करेंगे हम, जिसमें ये ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे हम लोग। अभी आपने सजेस्ट ये किया कि जो हमारे लोग हैं इस वक्त वो पैसों में बिलीव नहीं करें, एसेट्स में बिलीव करें और एसेट्स में अपने पैसों को डालें जो उनके पास सेविंग्स हैं। इंडस्ट्री की बात की हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अच्छा किया इमरान खान ने, दोबारा से अनाउंस कर दिया कि रीएक्टिव करेंगे, एग्रीकल्चर को भी ओपन कर दिया। जिधर बाकी की इंडस्ट्रीज हैं जो इस वक्त बंद हैं, और अच्छा खासा हमारा बंदा है इस वक्त जो इस वक्त अनएम्प्लॉयड है और वो नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, उनके लिए आप जो घर पे बैठे हुए हैं इस वक्त, जो आपको भी सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो क्या करें? देखिए, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट के, यानी ये जो इमरान खान और उनकी जो टीम है, वहाँ पर अगेन ड्रेस करते हुए मैं यहाँ पर फिर कहूँगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री को इतना प्रमोट करने जा रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ यंगस्टर्स के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाएं जहाँ पर उनके शॉर्ट कोर्सेज 15 दिन, महीना, 2 महीने के कोर्सेज हों, और बहुत सारे लोगों को जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ वो लूज़ कर चुके हैं वो यहाँ पर स्किल्ड लेबर के तौर पर इस इंडस्ट्री में आना शुरू हों। और अगर और इसमें कोई शक नहीं कि ये इतना बड़ा सेक्टर है और इतने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, अगर हमने मेटामॉर्फिंग ना की, हमने अपने आप को चेंज ना किया, गवर्नमेंट ने हमें चेंज करने में सपोर्ट ना की, तो वी विल बी नोवेयर। हमें यहाँ पर अब अपने आप को चेंज करने के लिए भी सोचना है। जब मैं रियल स्टेट की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि लाइबिलिटी वाली रियल स्टेट, कि आप एक घर लेके तो उसमें रहना शुरू कर दें और बैंक की किस्तें देना शुरू कर दें, या ना भी दें और उसमें खुद अपने यूज़ में लाना शुरू कर दें, विच मीन्स कि इट्स नॉट जनरेटिंग एनी कैश फॉर यू। अब टाइम है, यू शुड हैव द रियल स्टेट जो आपको कैश फ्लो दे, आपको इनकम भी दे, साथ एप्रिसिएशन तो उसकी होनी ही होनी है। मसलन मैं यहाँ एडवोकेसी इस वक्त बहुत ज़्यादा कमर्शियल रियल स्टेट की कर रहा हूँ सादा लफ्ज़ों में, कि जहाँ से आपको कैश फ्लो मंथली भी आए, वो खाली रियल स्टेट की एप्रिसिएशन के ऊपर ना बैठे। प्लॉट्स का मत सोचें, किसी भी ऐसी चीज़ का मत सोचें जो आपकी लाइबिलिटी बन जाए, जिसको इवन अपने 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 यूज़ के लिए अगर आपने एक घर ले लिया और उसको आप मेंटेन करना शुरू हो गया, तो विच मीन्स कि आपका कैश जाना शुरू हो गया, कैश वहाँ से आ नहीं रहा आपको।
अब आप सोचें सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज का जो कि कमर्शियल होती हैं, कि जहां पर आपको हायर रेंटल इनकम भी आती है और आपका कैश फ्लो बनता है, जो एप्रिसिएशन है वो तो होनी ही होनी है। यानी सादा लफ्जों में मैं ये कहूँगा कि अपनी ये अगर आप सारी हेल्थ, जिसमें आपकी स्पिरिचुअल का भी अलामी के साथ भी जोड़ें ताल्लुक अपना, बातों में ना कहें कि अल्लाह मालिक है, यकीन करें इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा फिक्र आने वाले टाइम की मत करें। अपने आप को थोड़ा बदलते हुए हालात के साथ चेंज करें। ये जो केयर है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में ना आएँ, क्राउडेड जगहों पर ना जाएँ, इससे और भी बड़ी बीमारियाँ लगती हैं। बात खाली कोरोना वायरस की नहीं है। जब आप इतना क्लोज कॉन्टैक्ट में और जब आप अपने आप को साफ नहीं रखते या अपनी अपने हाथ नहीं धोते, अपने आप को क्लीन नहीं रखते, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, तो उसमें तो और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वो खाली हमने इसको पकड़ के क्यों बैठ गए हैं? हम देखते हैं कि डेथ जो है ना, वो तो बेशुमार और चीज़ों से भी हो रही हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमें इन ये बैलेंस आउट करना है चीज़ों को। सिर्फ एक डर नहीं दिमाग में बैठाना, डर को निकालें, अल्लाह मियाँ पर फेथ करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपने रिसोर्सेज को दोबारा से देखें कि हमने किस तरह से इसको लेके जाना है। मैं तो बल्कि अपने एक्सपेट्रिएट्स भाइयों को जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस है, ये अगले 5-6 साल से कम का क्राइसिस नहीं है। दे शुड कम बैक टू आवर ओन कंट्री, जहाँ पर लोग सपोर्ट, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देने को तैयार है आपको। आप अपना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड छोटा मोटा बिजनेस बनाएं, वर्कशॉप खोल लें, एल्युमिनियम की वर्कशॉप खोल लें, वुडवर्क की कर लें, बिकॉज जब कंट्री की तरफ से हमें ये सपोर्ट मिल रही है, तो आप ये जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स हैं जो उसको अलाइड सर्विसेज दे रही होती हैं, तो ये एक आइडियल सिनेरियो बनता जा रहा है। लेट्स इट्स कंसिडर इट एन अपॉर्चुनिटी। आप एक पॉजिटिव सेंस में इन चीज़ों को अपॉर्चुनिटी के तौर पर क्यों नहीं लेते? लेकिन हम लोग देखते हैं ना कि बिजनेसमैन भी हमारे ज़्यादा क्या कहेंगे, पॉजिटिवली नहीं रिएक्ट करते गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, क्योंकि उनको ये एप्रिहेंशन होती है कि भाई जब गवर्नमेंट चेंज होती हैं तो वो जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो सारा दोबारा से खुल जाता है, खाते खुल जाते हैं। अभी जिस तरह गवर्नमेंट ने बोला कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी, जो भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में डाला जाएगा अभी पैसे दोबारा से स्टार्ट कर दिए। तो आपके सामने कि हम लोग देख रहे होते हैं कि नैब भी दोबारा से केसेस खोल देती है, एमनेस्टी स्कीम्स वाले के ऊपर भी दोबारा हो जाता है। ये तो आंधी आ गई शान, क्लोज करो यार। आंधी आ गई, ये शो में भी आई हुई है, पाकिस्तान में भी आई हुई है। कंक्लूजन ये है कि आप पॉजिटिवली रखें हर चीज़ को, अपॉर्चुनिटी ढूंढे जब ढूंढ सकते हैं। हम मिलेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।